इंदौर की सागर तहसील के ग्राम धर्मपुरी में स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने 10% आरक्षण बिल पास होने पर जश्न मनाया व प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सवर्ण समाज के लिए 10% आरक्षण का बिल पास करने पर सांवेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धर्मपुरी में विभिन्न सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर के नेतृत्व में आतिशबाजी कर जश्न मनाया। आज हम सबके लिए इतिहास ये ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पेश किया वो एक ऐसा बिल जिसके देश की आज़ादी के 70 सालों से ये देश इंतजार कर रहा था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पहले लगभग 60 साल तक 65 साल तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही, लेकिन जो प्रवृत्ति है, जो नीति है और जो नियत है कांग्रेस की, उसने उसी के अनुरूप स्वर्ण समाज के भाइयों को हमेशा प्रलोभन दिया लेकिन लटकाकर रखा। कभी भी उनके मनसा ये नहीं लगी कि स्वर्ण समाज का जो गरीब वर्ग है। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 10% सवर्णों को आरक्षण देने वाले बिल को कांग्रेस भी पास करवा सकती थी, किंतु कांग्रेस की सरकार ने कभी भी स्वर्ण समाज की सुध नहीं ली। इस अवसर पर राजपूत समाज के श्री दिलीप सिंह पवार, औदिच्य ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आनंदीलाल शर्मा, सिंधी समाज के विनोद चंदानी सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। दोपहर न्यूज के लिए सांवेर के चंद्रावतीगंज से संतोष व्यास की रिपोर्ट।